तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपने उस पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके दूसरे और आखिरी पार्ट से। सातवां प्रिंसिपल है डिसीजन, मतलब फैसला लेना। जब नेपोलियन हिल सैकड़ों कामयाब लोगों से मिले, उन्होंने देखा कि उन सभी को सही समय पर सही फैसला लेने की आदत थी। ये लोग बहुत जल्दी और बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे और वो अपने फैसलों को जल्दबाजी में बदलते नहीं थे। फ्रेंड्स, यहाँ जल्दी फैसला लेने का मतलब ये है कि वो लोग कोई फैसला लेने में ज़्यादा समय नहीं लेते थे, क्योंकि वो कम समय में ही सही फैसला लेना जानते थे। जब आप किसी कार्य को करने का फैसला लेते हैं तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए। बहुत से लोग जो किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं होते, दूसरों की सलाह से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। सलाह इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ों में से एक है, क्योंकि यह आपको किसी से भी मिल सकती है। आपको अपने गोल्स हासिल करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के अलावा किसी और व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए। अपनी टीम के सदस्य भी आपको बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। आपको सिर्फ उन लोगों को चुनना चाहिए जो आपके साथ आपकी योजना में सामंजस्य स्थापित कर सकें। कई बार आपके करीबी दोस्त और रिश्तेदार मुफ्त की सलाह देकर आपकी योजना को खराब कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड में कम समय में ही सही फैसला लेने की काबिलियत थी। उनकी कम समय में फैसला लेने की विशेषता के कारण ही उन्होंने अपनी गाड़ी के टी मॉडल को बनाने की प्रेरणा मिली, जबकि उनके कई सलाहकारों और खरीदारों ने उन्हें गाड़ी का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी। हेनरी फोर्ड ने उनकी सलाह नहीं मानी और वे अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने कहा, टी मॉडल आम आदमी की गाड़ी है और वो इसे कम दाम में बेचेंगे। फोर्ड सही साबित हुए और टी मॉडल उस जमाने में अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। सही समय पर सही फैसला लेना और उस पर पूरा यकीन होना ही हेनरी फोर्ड की कामयाबी का राज था। आठवां प्रिंसिपल, प्रसिस्टेंस, यानी दृढ़ता या अटलता। फ्रेंड्स, दृढ़ता होना किसी भी गोल को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी दृढ़ता आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। दृढ़ता एक ऐसी विशेषता है जो कामयाब लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। अपने फैसलों में अटल ना होना ही बहुत सारे लोगों की असफलता का कारण है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कार्य को बड़े शौक से शुरू करते हैं और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी मुश्किल आती है तो वह हिम्मत हार जाते हैं और उस काम को बंद कर देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह अपने काम को करने के फैसले पर अटल नहीं होते। अगर आप अपने लिए कोई गोल्स निर्धारित करते हैं तो आप में उसे पाने की दृढ़ता भी होनी चाहिए। यह तो निश्चित है कि आपको किसी भी कार्य में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, इसके बावजूद यदि आप अपने काम में डटे रहते हैं तो निश्चित ही अपने गोल्स को ज़रूर हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को दृढ़ निश्चय लेने में कमज़ोर समझते हैं तो अपना ध्यान लगाइए और अपने आप से कहिए कि आप अपने फैसलों में अटल हैं। इस अफर्मेशन का प्रयोग आप दिन में बार बार कर सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप बाहर के लोगों की, दोस्तों की या रिश्तेदारों की बात ना सुने। आप अपने लिए कोई बड़ा गोल निर्धारित कीजिए और उसी कार्यक्षेत्र में सफल लोगों से मिलिए। सफल लोगों से सीखिए कि उन्होंने किस तरह सफलता हासिल की और फिर उन्हीं बातों को फॉलो करने का फैसला लीजिए। चाहे आपके दोस्त या रिश्तेदार कुछ भी कहें, आपको अपने फैसले पर अटल रहना होगा। अगर आप रोज़ अटल रहने का अभ्यास करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि वे अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आज़ाद नहीं करवा सकते। गांधी जी अहिंसा की ताकत को जानते थे और वे अपने फैसलों पर अटल बने रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह भारत को आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए। फ्रेंड्स, कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी गोल्स निर्धारित करें उस पर अटल बने रहें जब तक आप उसे हासिल ना कर लें। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। नौवां प्रिंसिपल, फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उससे बात करते करते आपको अपने लिए कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। ये आइडिया शायद आपको नहीं मिलता अगर उस व्यक्ति से आपकी बातचीत ना होती, और यही नहीं, दूसरे लोगों को भी आपसे मिलकर उनके लिए कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यह देखेंगे कि हमेशा एक जैसे विचारों वाले लोग ही आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वह कौन सी शक्ति है जो समान विचारों वाले लोगों को करीब लाती है? ये शक्ति आकर्षण की शक्ति है, जो एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को आपस में मिलाती है। अपने आप को कामयाब लोगों के साथ जोड़ने से आपका ज्ञान बढ़ता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, इसलिए हमें दूसरों से भी ज्ञान लेना चाहिए। और जब एक जैसे विचारों वाले लोग आपस में मिलते हैं तो बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, आप अपने फील्ड और गोल्स के लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ अपना नेटवर्क बनाएं। ऐसा करने से आप एक दूसरे के साथ ज्ञान बांट सकेंगे और आपको एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपका और आपके नेटवर्क के लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, जो आपको कामयाब होने में और आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के नेटवर्क में लगभग 50 लोग थे जो उनके साथ अपने आइडिया शेयर करते थे, लोहा बनाने और बेचने के लिए मीटिंग करते थे और योजना बनाते थे। इन 50 लोगों के नेटवर्क की वजह से ही एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका में स्टील के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। अगर आप अपने नेटवर्क के लिए आलसी लोगों का चुनाव करेंगे तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे और अपने गोल्स को भूल जाएंगे। दूसरी ओर, अपने लिए सही लोगों का चुनाव करके आपको अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान और उसमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इस ज्ञान और प्रेरणा से आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। दसवां प्रिंसिपल, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी परिवर्तन। यह नेपोलियन हिल की किताब में सबसे विवादग्रस्त प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एक तरह की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम सब में एक बहुत शक्तिशाली यौन ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। इतिहास के बहुत से कामयाब लोगों ने अपने यौन ऊर्जा को क्रिएटिव कल्पना के लिए इस्तेमाल किया है। अगर हम अपनी यौन ऊर्जा को इकट्ठा करें और उसे क्रिएटिव कल्पना के लिए इस्तेमाल करें तो हम लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। यौन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बना सकते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस आकर्षण के जरिए हम लोगों को कोई भी बात समझा सकते हैं, जैसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए मना सकते हैं। यौन ऊर्जा किसी भी नई चीज़ को जन्म दे सकती है। हिल कहते हैं कि इतिहास के कामयाब लोगों ने अपनी यौन ऊर्जा को बड़े बड़े गोल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रिंसिपल पहली बार इसी पुस्तक में लिखा गया है। फ्रेंड्स, यौन ऊर्जा आपके दिमाग में ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करती है जो कोई और ऊर्जा नहीं कर सकती। यह वाइब्रेशन क्रिएटिव होती है और सृष्टि में एक सिग्नल की तरह जाती है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ की रचना होती है। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल में बताया है कि किस तरह हम यौन ऊर्जा को एकत्रित करके लोगों को और अपने गोल्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैरीलैंड के डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके 200 से अधिक पेटेंट बनाए। डॉक्टर गेट्स ने क्रिएटिविटी के लिए यौन ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली थे, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि इतिहास में बहुत से कामयाब लोग किसी न किसी औरत के प्रभाव से प्रेरित हुए थे। इस तरह कामयाबी के लिए प्रेरित होना उनकी यौन ऊर्जा का ही नतीजा था। यौन ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने से व्यक्ति में कल्पना, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, दृढ़ता और क्रिएटिव शक्ति पैदा होती है, जो कि जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। 11वां प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन। इस प्रिंसिपल में नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारे सभी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें सभी विचार हमारी 5 सेंसेस के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह एक कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इंस्ट्रक्शंस लेता है। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वह उसमें सेव हो जाती हैं और वह उनके हिसाब से काम करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक कंप्यूटर की तरह है जो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा इंस्ट्रक्शंस लेता है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जिन चीज़ों को छूते हैं और जो भी महसूस करते हैं, वह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है और वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल ने किताब में सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करने के बारे में कुछ इस तरह से बताया है। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं या जो भी आपका गोल्स है, उसे एक कागज़ पर विस्तार में लिखें। उसके बाद उन सभी चीज़ों का एक क्लियर वीडियो अपने दिमाग में बनाएं। यहाँ क्लियर वीडियो का मतलब है विस्तार पूर्वक चलती हुई तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप अपने आप को वह सब करते हुए देखें जो आप अपने गोल्स को पाने के बाद करते, जैसे कि आप बहुत खुश होते या कहीं छुट्टियां मनाने जाते या आपके दोस्त आपको मुबारकबाद देते। इस प्रक्रिया को आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होता है। जब आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे, और आपको सिर्फ उन पर अमल करना होगा। 12वां प्रिंसिपल, पावर ऑफ द ब्रेन यानी हमारे दिमाग की शक्ति। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए कि आपके पास करोड़ों रुपए हों और आप उनमें से रोज केवल एक ही रुपया खर्च करें। ठीक ऐसा ही ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ करते हैं। इंसान के दिमाग की काबिलियत असीमित है, लेकिन लोग अपने दिमाग के केवल 1% हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है, जिसका मुकाबला कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। मानव जाति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके विज्ञान और कला के क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर, आवाज़ की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज़ और स्पेस में जाने वाले रॉकेट बनाए हैं। आज तक मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है और जो भी आने वाले समय में होगी, सब उसके दिमाग की ही उपज है। फ्रेंड्स, ये वही दिमाग है जो हम सबके पास है, लेकिन हम सब उसकी शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। नेपोलियन हिल अपनी किताब में कहते हैं कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके दिमाग में है वह सब पैदा करने की शक्ति। आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचानें, उसे कोई कार्य करने को दें और फिर देखें कि वो इसे कैसे हैंडल करता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको दिमाग पर अटूट विश्वास होगा तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और आइडियाज़ भी देगा। एलियस होवे, जिन्होंने सन 1845 में सिलाई की मशीन बनाई थी, उन्हें सिलाई मशीन बनाने का आइडिया एक सपने में आया था। इस तरह दिमाग आपको अपने काम के लिए रास्ता दिखाएगा और आपको सिर्फ उस पर काम करना होगा। 13वां प्रिंसिपल, द सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री। फ्रेंड्स, सिक्स सेंस वो सेंस है जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी ईश्वर के साथ संचार करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो पहले 12 प्रिंसिपल्स का पालन करना जानता हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना के लिए सिक्स सेंस का ही इस्तेमाल करता है। सिक्स सेंस एक रिसीवर की तरह काम करती है, जिसके जरिए हमारे दिमाग में किसी कार्य को
करने की तरकीबें आती हैं और प्रेरणा मिलती है। सिक्स सेंस का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर सकते जो बाकी के 12 प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानते, क्योंकि सिक्स सेंस का इस्तेमाल करने के लिए जो ज्ञान और तजुर्बा चाहिए वो उनके पास नहीं होता। सिक्स सेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल कोई जब चाहे तब कर सके। इस महान शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बाकी के 12 प्रिंसिपल्स का पालन करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उन सभी प्रिंसिपल्स का पालन करना आज से ही शुरू करें, तभी आप अपने जीवन के गोल्स को प्राप्त करने में सफल होंगे। याद रखिए कि कोई व्यक्ति तब तक कोई चीज़ नहीं बना सकता जब तक उसके दिमाग में उस चीज़ का स्पष्ट विचार ना हो। जब थॉमस एडिसन लाइट बल्ब को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो रोज़ बल्ब की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में देखते थे। वो बहुत बार बल्ब बनाने में कामयाब हुए, फिर भी उन्हें ज़रा भी संदेह नहीं था कि वो बल्ब बना पाएंगे या नहीं। आप डर को अपने दिमाग से बाहर रखें और पूरा ध्यान अपने गोल्स पर लगाएं। अपने दिमाग में अपने गोल्स को प्राप्त करने की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। आप नकारात्मक लोगों से और मध्यम वर्गीय सोच वाले लोगों से एक दूरी बनाकर रखें। अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में लगाएं। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह जितना भी बड़ा क्यों ना हो। बस आपको इन 12 प्रिंसिपल्स को याद रखना होगा और उन्हें अमल में लाना होगा।